नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। फतेहाबाद के गांव नूर केले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। ससुराल गए 32 साल के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पत्नी, सास ससुर सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। करीबन 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी। रविवार को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए फतेहाबाद आया हुआ था मृतक। पत्नी का फोन आने के बाद गया ससुराल, जिसके बाद उसकी लाश ही मिली। मृतक की बहन बोली कि इंटरकास्ट मैरिज के चलते लड़की के परिजन थे नाराज। कुछ दिन पहले भाई की पत्नी भी जरूरी काम के लिए गई थी अपने मायके, लेकिन इस बार पत्नी ने धोखे से फोन करके बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं डीएसपी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और कुछ आरोपी भी हिरासत में लिए गए हैं। पूरी घटना की जांच की जा रही है। फरार अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अंतर्जातीय विवाह होने के कारण लड़की के परिजन खफा भी थे और ऐसी संभावना है कि लड़की और उसके परिजनों ने इसी बात से खफा होकर निशान की हत्या को अंजाम दिया। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष। सर, ये हत्या नहीं है, मर्डर हुआ है। प्री प्लान्ड मर्डर था। निशांत की वाइफ, उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है। अभी पुलिस ने FIR दर्ज करी है। पोस्टमार्टम अभी पेंडिंग है। अभी हमें कॉपी दी है इन्होंने और ये इनका कहना है कि 4 बंदों को हमने अरेस्ट कर लिया है। हमें बस न्याय चाहिए। जितने भी बंदे हैं सबको, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। और सुबह से 2:30 बजे से हम खड़े हैं और अभी तक हमारी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और अभी कल कह रहे हैं देंगे। किन लोगों ने किया ये करी है जी? निशांत के ससुराल वालों ने प्री प्लान्ड उसको बुला के जी, पहले कल वो शादी के लिए अपने घर से निकला था। उसकी निशांत की सिस्टर की शादी थी, मासी की लड़की, घर से निकला था और वहाँ से इन्होंने अनीता के घर वालों ने इसको बुला लिया कि तू आ जा, उसको ले जाइयो, कोई बात नहीं। तो वो उनके घर चला गया और उन्होंने वहाँ जाके सारों ने इकट्ठे मिल के, चाचे ने, भाइयों ने, नीता ने, नीता की माँ और ये सब मिले भगत करके उसको इतना मारा है, उसको इतना मारा है। आपको वीडियोज दूंगी मैं, आप वीडियोज को देख के देख सकते हो कि कितना प्री प्लान मर्डर है और दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो शादी थी आपकी, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज की थी। लड़का लड़की राजी थे और लड़की वाले कंबोज थे और लड़का जर्नल था। माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को पसंद नहीं थी ये शादी। तो पुलिस में शिकायत दे दी है आपने? पुलिस में शिकायत दे दी है, पुलिस ने FIR दर्ज कर रही है। आगे की कार्रवाई, 3 बंदों इन्होंने कहा है, 4 हमने अरेस्ट कर लिए हैं, बाकी ये कह रहे हैं कि कल तक हम कर लेंगे। अगर ये नहीं करते तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कुल कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी है आपने? कुल मैंने 9 तो बाय नेम दिए हैं, 8 से 10 लोगों का मुझे नाम पता नहीं था तो मैंने वो सारी इनको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो जो आपका भाई है वो शादी में आया था जी? मेरे मामा का लड़का है, शादी में आया था। उसकी मासी की लड़की की शादी थी और नीतूवर के घर से कल परसों उसको बोला था कि तू आ जाइयो, पता नहीं उन्हें कहीं से पता चल गया होगा शादी है। तो वो देखो 2-4 महीने से अपने घर पे थी, 4 महीने से घर पे थी, तो उससे भी होता है कि चलो ले आऊंगा शादी में डरो, तो लेने चला गया तो उन्होंने उसको मार दिया। और इतनी बुरी तरीके से पीट लेते हैं, मारा किस लिए? मारने का कोई सिस्टम ही नहीं बनता ना। तड़पा तड़पा के उसको मारा है और पूरा आगे पीछे बॉडी बिल्कुल नीली लाल पीली है, हड्डियाँ उसकी तोड़ रखी हैं, बाजू उसकी दोनों टूटी हुई हैं, सिर पे चोट है, आगे पीछे सारे मुंह सारा भरा हुआ है चोटों से। अब आपके क्या मांग है जी? हमारी यही मांग है जी, सारों को पकड़े और उनको दोषियों पे पूरी कार्रवाई करें, फांसी की सजा मिले इनको। कल दिनांक 24 अक्टूबर को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक निशांत नाम लड़का है जो चोट लगने का नहीं आया, एक्सपायर हो गया उसको, जिस पर हमारी टीम आ गई। आज उसके परिवार वाले आए हैं तो उन्होंने उसके भाई ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरे भाई की, उसके जो ससुराल वाले थे नूर केली गाँव में, अनिता और उसके परिवार वाले, उन्होंने पीट पीट कर हत्या कर दी। तो जिस पर मुकदमा 302 ICC के तहत दर्ज कर लिया गया। इसमें अनित और उसके परिवार के करीब 11 आदमी भाई ने हैं और बाकी ने हाथ में। जैसे बताया जा रहा है कुछ लोग हिरासत में भी दिए गए हैं, क्या नहीं? भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई किसी पर पूछताछ के लिए बुलाया गया? अभी पूछताछ तो इंक्वायरी पुलिस करेगी। इंटरकास्ट मैरिज थी, इसी वजह फिर लड़का लड़की कुछ अनबन भी थी, लेकिन मेन मुद्दा तो अंतर जातीय विवाह का है। तो सर, जो हत्या को जो अंजाम दिया गया है,
क्या टाइमिंग बताई है परिवार ने कि कितने बजे वो गया था वहाँ, क्या हुआ उसके साथ? कल हमारे पास शाम की इन्फॉर्मेशन आई थी करीब 7 बजे के आसपास, अभी सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्लियर हुई। तो गांव में ही मारपीट हुई है उसके साथ? हाँ हाँ, गांव में उसके घर या उसके आसपास।